अभी मान लो आप कोई जंगल में घूमने गए या फिर यूनिक से तालाब में घूमने गए जहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं और आपने ये देखा कि क्रोकोडाइल जो है वो आपके पीछे आने लग रहा है, जैसे आप तालाब के किनारे खड़े हो तो आप ये देखोगे कि वो पानी से बाहर निकलकर आपके पास आ रहा है। तो क्रोकोडाइल्स के बारे में एक फैक्ट है कि ये जो क्रोकोडाइल्स होते हैं मगरमच्छ, वो बहुत तेजी से दौड़ते हैं लेकिन वो उतने अच्छे से मुड़ नहीं पाते हैं, यानी अपने आप को ऐसे ऐसे मोड़ नहीं पाते हैं राइट लेफ्ट, वो सीधा बहुत तेज दौड़ते हैं। तो अगर आपके पीछे क्रोकोडाइल आए बाय चांस तो ऐसा चांस है कि वो आपको इससे पकड़ के आपका पैर को दबोच लेगा। तो आप करना ये कि आप दौड़ोगे तो जिगजैग लाइन में दौड़ना, यानी ऐसे लेफ्ट होना फिर राइट होना फिर लेफ्ट होना। अब जो क्रोकोडाइल है वो आपको ही फॉलो करेगा आपके पैर को, तो वो भी ऐसे लेफ्ट होगा फिर राइट होगा फिर लेफ्ट होगा। तो क्योंकि वो लेफ्ट राइट होने में उतना एक्सपर्ट नहीं है, तेज तो ठीक दौड़ लेते हैं लेकिन मुड़ नहीं पाते हैं लेफ्ट राइट होके।